वाइटामिन ई की कमी से सबसे पहले आपकी स्किन की कंडीशन बुरी हो जाती है, आपकी स्किन ड्राई रहेगी, इची भी रह सकती है और रैशेज और बीमारी आ सकती है। 600 से 800 आयु वाइटामिन ई एक आम इंसान को कम से कम चाहिए। अगर आपको हार्ट कंडीशन है या आपके क्लॉट्स बन रहे हैं तो इससे ज्यादा चाहिए। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो आपको घर पे वाइटामिन ई दे सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हेल्थ कोच रविंदर सेन जी। रविंदर सेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। थैंक यू जी। रविंदर सेन जी, आज हम बात करेंगे विटामिन ई पे। तो विटामिन ई है क्या और इसको कैसे पता चलता है कि हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो गई है? जी, पहली चीज, विटामिन ई फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसका मतलब ये तेल में मिक्स होता है। अगर आप विटामिन ई की गोली खरीद के लाएंगे केमिस्ट से, वो उसको खोलेंगे, उसमें से ऑयल निकलेगा। कुछ विटामिन पानी में मिक्स होते हैं, कुछ विटामिन तेल में, विटामिन ए डी ई के टू ऑयल बेस्ड है, ये फैट में मिक्स होते हैं। विटामिन ई की कमी से सबसे पहले आपकी स्किन की कंडीशन बुरी हो जाती है, आपकी स्किन ड्राई रहेगी, इची भी रह सकती है और रैशेज और बीमारी आ सकती है। तो आप देखेंगे जब भी कोई महंगी क्रीम लेते हैं जो लड़कियां खरीदती है, उस पर लिखा होगा विटामिन ई से भरपूर, आलमंड ऑयल से भरपूर। तभी बालों के लिए बहुत अच्छा है विटामिन ई, नेल्स हेयर आईज और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अब दिक्कत यह है, विटामिन ई जो है ये भी दो तीन तरीके का है, सिंथेटिक भी है, नेचुरल भी है। मैं हमेशा नेचुरल चीज के पीछे जाता हूँ और कोशिश करता हूँ नेचुरल चीज ढूंढी जाए जो कि आप घर में बना के खा सके या घर में उगा के खा सके, उसके फायदे हों। तो विटामिन ई स्किन के लिए, आंखों के लिए, हार्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके फायदों के ऊपर हम बात करते हैं। विटामिन ई अगर ज्यादा हो जाए तो कैसे पता चले? मुश्किल है कि विटामिन ई बढ़ जाए। बहुत कम लोग हैं जो हाई डोजेज ऑफ विटामिन ई लेते हैं। आमतौर पे इसको आयुस में गिना जाता है, इंटरनेशनल यूनिट्स। 600 से 800 आयु विटामिन ई एक आम इंसान को कम से कम चाहिए। अगर आपको हार्ट कंडीशन है या आपके क्लॉट्स बन रहे हैं तो इससे ज्यादा चाहिए। इसके फायदे ऐसे हैं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। जब हमारी बॉडी में क्लॉट बनता है, अगर वो फ्रेश क्लॉट है, फ्रेश बना हुआ क्लॉट बन गया बॉडी में, तो ये उसको डिजोल्व करता है विटामिन ई, ये क्लॉट बनने से रोकता है। अगर आप रेगुलर डोजेज लेते हैं, जो क्लॉट हैं उनको डिजोल्व करता है और स्ट्रोक, जो कि बहुत बड़ी बीमारी है जिससे लोग मर जाते हैं, स्ट्रोक हो जाता है, उससे बचाता है। दूसरी चीज, ये ब्लड की थिकनेस को बरकरार रखता है। हमारा ब्लड थिन भी बुरा है, थिक भी बुरा है। उसकी कंसिस्टेंसी होती है, उसकी कितनी थिकनेस होनी चाहिए, उसको कितना गाढ़ा होना चाहिए, ये उसको रेगुलेट करता है विटामिन ई। तीसरी चीज, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। अगर टिश्यूज की नीड ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाती है वो भी बुरी है, अगर उसको सही ऑक्सीजन टिश्यूज है हमारी बॉडी में डिलीवर हो तो अच्छा है। तो ये हार्ट की मदद करता है, किससे, कि बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई भरने में, क्योंकि विटामिन ई ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको नोटिस किया होगा विभोर जी, कई लोग पहाड़ों में जाते हैं उनके कान बंद होते हैं, ये विटामिन ई की डेफिशिएंसी है, क्योंकि पहाड़ों में ऑक्सीजन कम है। उस ऑक्सीजन कम होते ही उन लोगों को चक्कर आते हैं या कईयों को कानों में बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है। अगर आप विटामिन ई, लेट्स से आप माउंटेन्स का ट्रिप प्लान कर रहे हैं या आपकी फ्लाइट है 3 दिन में, अगर आप उसे 3 या 4 दिन पहले विटामिन ई अच्छी डोजेज 600 या 800 आयु डेली लेने लग जाएं, आप हैरान हो जाएंगे, आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हार्ट की मदद करता है और ये मसल्स को ऑक्सीजन जो कि चाहिए वो पहुंचाने में मदद करता है। नेक्स्ट चीज, जिन लोगों के मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, जिसको पंजाबी में हम कड़ल बोलते हैं, उनको एकदम से ऐसे लगता है कि मसल रुक गया है, सीज हो गया और बहुत पेन होती है, उसमें हेल्प करता है। ये इम्यून सिस्टम को बहुत हेल्प करता है और इन्फेक्शन से बचाता है आपको, तो आपको इन्फेक्शन नहीं होने देता। और अगर आपके कहीं कट लग गया है, या कई बार लेडीज को प्रेगनेंसी के बाद या फिर कई लड़के जो जिम करते हैं उनके वो होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, अगर आप नए स्ट्रेच मार्क पे या बर्न पे विटामिन ई का कैप्सूल खोल के सीधा अप्लाई कर लें, आपके वहां पे वो दाग नहीं पड़ेगा उसका और वो जख्म जल्दी भर जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बर्न हुआ है, कोई कट लग गया है, उस पर आप विटामिन ई सीधा अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, कई बार बच्चों को रात को जैसे बेड वेटिंग बोलते हैं, उनको पेशाब निकल जाता है बेड में, ये विटामिन ई की डेफिशिएंसी है। अगर आप उन बच्चों को विटामिन ई देना शुरू कर दें, ये प्रॉब्लम खुद ब खुद
सॉल्व हो सकती है। विटामिन ई को घर पर कैसे पूरा किया जा सकता है? जी, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो आपको घर पे विटामिन ई दे सकते हैं। पहली चीज है वीट जर्म ऑयल। मैं हमेशा विटामिन ई वीट जर्म ऑयल से बनाता हूं, हमने गोली भी बना ली उस चीज की। तो वीट जर्म ऑयल क्या है, एक तरह से जब वीट के बीज को अंकुरित किया तो वो जर्मिनेट कर गया, उसका ऑयल निकाला जाता है। तो इससे अच्छा तरीका बताता हूं, अगर आप खुद घर पे जिसको बोलते हैं कि वीट ग्रास उगा के उसको खाना शुरू कर दें जब वो छोटा ही हो, आप अपना विटामिन ई पूरा कर सकते। दूसरी चीज सनफ्लावर सीड्स, मगर ऑर्गेनिक हो, और उनको थोड़ा सा मैं जैसे पहले नमक और नींबू वाले पानी में एक रात डिप कर लूंगा, फिर अगले दिन उनको चाहे भून के खाने के साथ खा लूंगा, सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के सीड्स। तीसरी चीज आलमंड्स, स्पेशली मामरा बादाम अगर आप कश्मीर साइड से लेंगे उसमें अच्छा विटामिन ई है, उसको भी मैं ओवरनाइट सोक करूंगा पानी में नमक और नींबू डाल के 12-16 घंटे, उसकी स्किन उतार के उनको अच्छी तरह धो के फिर खाऊंगा। नेक्स्ट चीज जो कि मैं हर बार बोलता हूं, लोग नहीं समझते, उनको समझना, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, जितनी भी हरी सब्जियां हैं लीफी ग्रीन, उनमें विटामिन ई है, मगर उनको कुकर में या कढ़ाई में सीटी मरवा के कुक नहीं करना, कच्चा सैलड विटामिन ई भरपूर है। नेक्स्ट चीज इंडिया में नहीं मिलती मगर एवोकाडोस, एवोकाडोस जो कि बाहर बहुत अच्छे मिलते हैं, इंडिया में भी मिलते हैं मगर बहुत महंगे, उसमें विटामिन ई भरपूर है। एक चीज मैं और सिखाता होता हूँ, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, स्पेशली पत्ता गोभी में बहुत अच्छा विटामिन ई है, मगर लोग खाने से डरते हैं, तो मैंने उनको बताया था उसका एक अचार बनाने का तरीका है, सारक्राउट, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी की हुई है, वो विटामिन ई से भरपूर है। आपने ये समझना है हार्ट हमारा एक मसल है, और हार्ट अटैक क्या है, मसल क्रैम्पिंग, जैसे किसी भी नस चढ़ जाना, हार्ट अटैक का मतलब है हार्ट को नस चढ़ गई, और विटामिन ई नस चढ़ने से बचाता है, और वो विटामिन ई है जो मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन डिलीवर करता है ताकि वो काम करते रहे। जब आपका विटामिन ई लो है आपको हार्ट की दिक्कत बहुत हो सकती है, तो हार्ट के लिए बेस्ट विटामिन है विटामिन ई। तो आप अगर लंबा जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी रहे, आप विटामिन ई डेली आपकी डाइट में होना चाहिए। विटामिन ई की कमी वाले पेशेंट का डाइट प्लान क्या होना चाहिए? विटामिन ई डेफिशिएंसी क्या कर रहा है, उनका लिवर अच्छा नहीं है, तो लिवर को क्या ठीक करता है, कच्ची सब्जियां लिवर करता है। एक चीज है मिल्क थिसल, वो फूल है, उसकी गोली बना देते हैं हम, वो लिवर को खराब क्या करता है, चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेसिव या फ्रूट ज्यादा खाने से, क्योंकि विटामिन ई तोड़ना किसने है बॉडी में, लिवर में। अगर आपका लिवर अच्छा नहीं है, आप विटामिन ई भरपूर खाते रहिए, लगेगा नहीं। तो सबसे पहले मैं लिवर की मदद करूंगा, तो मैं ऐसी डाइट खाऊंगा जो लिवर के लिए अच्छी हो। मैंने एक प्रोटोकॉल भी बनाया था, उसका नाम है द लिवर प्रोटोकॉल, उसका मतलब है कि वो चीजें जो लिवर को तंदुरुस्त कर दें। ऑफ कोर्स विटामिन ई खाइए और लिवर को इतना स्ट्रांग कीजिए कि लिवर उसको डाइजेस्ट कर पाए। इसमें दो तीन चीजें हैं, एप्पल साइडर विनेगर हर खाने से पहले, हर खाने में थोड़ा सा सैलड, या दो खानों में कम से कम एक एक बोल भर के सैलड, चीनी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम, फ्रूट बिल्कुल बंद कुछ देर के लिए, हमने लिवर को बिल्कुल तंदुरुस्त करना है, ये डाइट प्लान होगा। विटामिन ई अगर ज्यादा हो जाए तो क्या डाइट प्लान होना चाहिए? देखिए विटामिन ई ज्यादा होना वैसे तो बहुत मुश्किल है क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन है। मैं उन लोगों को, अगर पहले तो इसका कोई टेस्ट ही नहीं है ऑलमोस्ट कि विटामिन ई बढ़ गया है, बहुत कोई 0% केसेस की या 0.1% केसेस होंगे जहां विटामिन ई बढ़ जाएगा, उस केस में हम विटामिन ई बंद करेंगे या विटामिन जो ई रिच फूड्स हैं उनको कम करेंगे और बॉडी को कुछ देर फास्टिंग करवाएंगे। मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगा, 3-4 दिन फास्टिंग करेंगे ताकि बॉडी में जो एक्सेसिव ऑयल बेस्ड चीजें हैं वो बॉडी कंज्यूम कर जाए, और 4 दिन में अगर आप 3 या 4 दिन की फास्टिंग करते हैं यू विल फील बेटर। आप विटामिन ई की गोलियां और कैप्सूल्स की बात कर रहे थे, मगर कई डॉक्टर कैप्सूल्स या गोलियां लेने को मना करते हैं, तो क्या करना चाहिए यहां पर हमें? देखिए जो डॉक्टर विटामिन ई की गोली से या कैप्सूल से आपको मना कर रहा है, एक्चुअल में ठीक बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि 99% मार्केट में सिंथेटिक विटामिन ई है। अगर वो वीट जर्म ऑयल से बना हुआ विटामिन ई है तो लेंगे, वरना सिंथेटिक विटामिन ई चलो माना कोई प्रॉब्लम आगे लेनी पड़ गई, कोशिश करेंगे फूड बेस्ड चीजों से ही मिल जाए। वीट जर्म ऑयल से बना विटामिन ई बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें ना अल्फा ट्रॉपिकल 2-3 चीजों के तरीके से विटामिन ई आता है, हमें सिंथेटिक नहीं, हमें नेचुरल चाहिए। तो वीट जर्म ऑयल वाला विटामिन ई यस, दूसरा सिंथेटिक विटामिन ई अगर बहुत प्रॉब्लम है ले लीजिए, मगर कोशिश करिए अच्छी चीज मिल जाए तो वही यूज कीजिए या फिर घर में फूड से मिल जाए। रविंदर सेन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम जी, नमस्कार। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।